हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। जुपिटर्स लेगेसी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक ऐसा सुपर हीरो जॉनर वाला शो है जिसका वेट मैं बेसब्री से कर रहा था, क्योंकि उसका मेन रीज़न एक ही है कि आज की तारीख में सुपर हीरोज पर बनाए गए शोज और मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग भी होती है और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आती है। MCU और DC की हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग बाप ऑफ दिस सुपर हीरो जॉनर है। लेकिन हम लोग यहाँ पर द बॉयज और इनविंसिबल की बात ज़रूर करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आफ्टर वॉचिंग जुपिटर्स लेगेसी पूरी रात जागने के बाद मैं एक ही चीज़ सोचा कि आखिर मैं जागा ही क्यों इस पर्टिकुलर शो के लिए। तो अगर आप लोग भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर चेकआउट करना, उसके बाद आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा शो को लेकर। क्या शो में आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिसके हर एक एपिसोड 36 मिनट से लेकर 56 मिनट के बीच में ही, और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है। क्या कहानी फॉलो करती है वर्ल्ड के पहले सुपर हीरोज पर, जिनको अपनी पावर सुपर पावर्स 1929 में मिली थी। अब उसके बाद से ये लोग दुनिया की हिफाजत कर रहे हैं। खैर, इन सुपर हीरोज़ के कुछ रूल्स है, जैसे कि ये लोग किसी को जान से नहीं मारेंगे। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब ये सुपर हीरोज बूढ़े हो रहे हैं और इनके बच्चों के हाथ में कमान आती है। इनकी ऑब्वियसली उनके बच्चों के पास भी सुपर पावर्स है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो ज़माना अलग था, वो दौर अलग था, और उस टाइम पर जो चीज़ें थी वो बिल्कुल अलग थी। और आज के जो नए जनरेशन के सुपर हीरोज़ हैं और आज के जो प्रेजेंट टाइम है, यहाँ पर जो सिचुएशन बिल्कुल अलग है, यहाँ के जो कायदे कानून है वो बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में जो नए सुपर हीरोज हैं वो अपने पेरेंट्स के बनाए गए उस रूल्स को फॉलो कर पाएंगे, और क्या लोग वर्दी है इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए, यानी कि ये बहुत सारी चीज़ों के जवाब जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। अगर बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पर बॉयज और इनविंसिबल इन दोनों सीरीज़ की बात तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि सुपर हीरो के जॉनर को अगर किसी ने अलग तरह से प्रेजेंट किया तो वो थी द बॉयज। बॉयज़ में हमें सुपर हीरो का एक अलग एंगल देखने को मिला था, वही इनविंसिबल में भी हमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिली थी जो अनएक्सपेक्टेड थी और ये अब फैंस को मांगता है। तो अगर जुपिटर लेगेसी की बात करें तो यहाँ पर हमें ये पर्टिकुलर शो मुझे एटलीस्ट नया कुछ भी प्रेजेंट नहीं किया। शो में अगर आप लोग सुपर हीरो के जॉनर को देखना इसलिए पसंद करते हो कि आपको गजब के एक्शन सीन्स देखने मिलेंगे, मतलब आप लोग जो देखते हो सुपर हीरोज के शोज और मूवीज़ में, तो वो यहाँ पर आपको बहुत ही मिसिंग देखने को मिलेगा। इनफैक्ट फर्स्ट एपिसोड में आपको जो एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे ना, उसके बाद बाकी के जो 7 एपिसोड में उसमें आपको इस लेवल के एक्शन सीन्स नज़र ही नहीं आएंगे, जो कि हाईली डिसअपॉइंट करता है। उसके बाद शो में आपको काफ़ी ड्रामेटिक सीन्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी ऐसे लंबे लंबे सीन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर आप लिटरली ऐसा फील करोगे। लेकिन ऐसा नहीं कि ये शो पूरी तरह से ख़राब है, शो में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जो फ्लैशबैक के सीन्स है, यहाँ पर 2 अलग अलग टाइमलाइन देखने को मिलेगी। तो जिसमें जो फ्लैशबैक वाली टाइमलाइन है, जहाँ पर कैसे वो जो ओल्ड जनरेशन के सुपर हीरोज थे उनको अपनी पावर्स मिली, तो वो जो पोर्शन है इस शो का वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वहाँ पर चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से आगे भी बढ़ती है, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम है वहाँ पर चीज़ें इतनी कुछ खास नहीं लगती है। और साथ साथ जो कुछ सब प्लॉट्स है वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि शो में आपको एक प्रेडिक्टेबल कहानी, एक प्रेडिक्टेबल चीज़ें इतनी मिलती है, कुछ नया ये लोग ऑफर नहीं कर रहे थे एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू। शो में अगर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनके अपने आपको सब प्लॉट्स भी देखने को मिलेंगे और उनके जो अलग अलग शेड्स है वो आप लोग यहाँ पर फील कर पाओगे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी कैरेक्टर है जिनको इस शो में बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप भी किया, और कुछ ऐसे भी कैरेक्टर है जिनको यहाँ पर कुछ खास यूटिलाइज नहीं किया। लेकिन यस, ऐसा कह सकते हो कि उनका सीजन 2 में कुछ अच्छा खासा रोल हो सकता है। और शो की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करेंगे तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि शो कर देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि यार ये कोई सुपर हीरो वाला शो है। आप लोग फील करते हो कि हर एक जगह पे लोगों ने कॉस्ट कटिंग की है, और जो एक्शन सीन्स है को भी कुछ ग्रैंड लेवल में प्रेजेंट नहीं किया। ठीक ठाक है, ज़्यादा बुरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ डाल दी जिसके वहाँ पर हम लोग जमकर तारीफ करें, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। PGM अच्छा है बट नॉट आउटस्टैंडिंग। शो की एडिटिंग थोड़ी और भी अच्छी तरह से की जा सकती थी, उसके अलावा डायरेक्शन मुझे ओके लगा। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो हर एक एक्टर ने यहाँ पर डिसेंट रोल प्ले किया, मतलब कोई भी एक्टर अपने रोल में परफेक्ट आपको नहीं लगता, एटलीस्ट मुझे परफेक्ट नहीं लगा। अब प्रॉब्लम की बात यह कि ये शो एडल्ट देखना चाहिए या फैमिली ऑडियंस देखना चाहिए, क्योंकि शो में फादर और चिल्ड्रन के बीच की जो एक बॉन्डिंग है, किस तरीके से फादर के कुछ गलत डिसीजन से इनके बच्चे इनसे किस तरह से दूर हो गए, तो वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार ये तो फैमिली ऑडियंस को देखना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो न्यूडिटी के सीन्स, जितने भी सेक्सुअल सीन्स या जो डायलॉग्स में
चूतिया जो बोला गया है, तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि यार ये एडल्ट लोग को देखना चाहिए। तो मेकर्स यहाँ पर खुद कंफ्यूज है कि वो लोग ये शो बना किस ऑडियंस के लिए रहे। पेरेंटल गाइडेंस के लिए तो मैं इतना ही बोलूंगा कि ये शो आप अपनी फैमिली के साथ मत देखना। मैं इसको रेटिंग दूंगा 6.5 out of 10। ये एक ऐसा शो है जो आपको कुछ नया प्रेजेंट तो नहीं करता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आपको फिर भी देखना है तो आप लोग बिंदास देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने शो को देखा है तो आपको क्या फील है वो मुझे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करना। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिल देन।